हेलो फ्रेंड फ्रेंड, मैं शिवेंद्र। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इंडियन स्टूडेंट के ऊपर। फ्रेंड, इंडियन स्टूडेंट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो पढ़ाई करते हैं जॉब या नौकरी के लिए, क्योंकि हमारा बेसिक एजुकेशन जो है वो क्या है, वो यानी जॉब या नौकरी बेस पे ही है। क्योंकि यहाँ के अगर देखा जाए तो यहाँ का टीचर, प्रिंसिपल और समाज यानी तीनों यही सिखाते हैं कि बेटा पढ़ लिख ले, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और तुम्हारा ज़िंदगी क्या होगा, मस्त सेट हो जाएगा और तुम कंफर्ट जोन में खूब मस्ती से जियोगे, नौकरी का एंजॉय करोगे। फ्रेंड, वो क्या करता है, इसी बेस पे पढ़ाई शुरुआत करता है, पढ़ाई पढ़ते जाता है और उसके दिमाग में एक ड्रीम होता है, वो ड्रीम होता है मालिक बनने का। तो फ्रेंड, नौकरी कर मालिक बनना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर नौकरी करके मालिक बनना होता तो इंडिया का स्थान नंबर वन पे होता, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 95% बच्चे क्या करते हैं, नौकरी और जॉब के लिए ही पढ़ते हैं। इसलिए भारत को नंबर वन होना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत क्या है, नंबर वन पे क्या, हमको लग रहा है नंबर 10 पे भी नहीं है अगर पैसे के मामले में देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चे जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, उन नौकरी के लिए ही करते हैं, लेकिन नौकरी से पैसे वाला बनना, अमीरी लाना ये पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड, ये क्यों होता जा रहा है, ऐसा इसलिए होता जा रहा है, हमारे बाप दादा भी क्या किए, नौकरी ही किए। आज वही स्कूल, वही समाज, वही टीचर सब हमको वही सिखा रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, नौकरी करना, लेकिन वास्तविकता जो हमारे अंदर है उसका सामना हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड, इसी पे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि एक पति पत्नी होते हैं और पति पत्नी यानी पति जब ऑफिस से वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कुछ पका रही होती है और वो जो चीज़ पका रही होती है उसे हिम कहते हैं, यानी वो क्या होता है, एक तरीके का बीफ होता है यानी मांस होता है, और वो क्या करती है, उसको पकाना होता है जैसा होता है वैसा ही, लेकिन वो क्या करती है, उसे काट कर यानी टुकड़े बनाकर पकाती है। तो ये हैरान हो जाता है देखकर कि इसे तो खड़ा ही पकाया जाता है लेकिन ये क्यों काट कर पका रही है। तो रीजन पूछता है तो रीजन वो ये बताती है कि मेरी माँ भी क्या करती थी, इसी तरीके से पकाती थी। और एक दिन, उसी दिन उसकी माँ आ गई वहीं पे और उसने पूछा कि माँ आप क्यों हेम को काट कर पकाती है, तो उसने बोली कि मेरी माँ भी ऐसे ही पकाती थी। तो उसने क्या किया, तीनों मिल के अपनी वाइफ के नानी को फोन लगाया और बोला कि नानी माँ आप हेम को क्यों काट कर पकाती हो। तो नानी माँ बोली कि बेटा मेरा कढ़ाई क्या है, छोटा है, इसलिए मैं काट कर पकाती हूँ। तो फ्रेंड, इस स्टोरी का मतलब कि वास्तविकता यानी वास्तविकता क्या था और हम क्या अनुसरण कर लिए, यानी हम क्या करते हैं, अपने समाज और अपने परिवार जनरेशन का अनुसरण करते हैं। फ्रेंड, ये अनुसरण का समय नहीं है, ये परिवर्तन का समय है। आप समय के साथ बदलिए और अपने देश को यदि आगे लेकर जाना है तो नौकरी के लिए मत पढ़ाई करिए। आप किसके लिए पढ़ाई करिए, नॉलेज के लिए करिए और उस नॉलेज को ऐसे जगह पे इम्प्लीमेंट करिए जहाँ से क्या हो सके, आपको अर्निंग आ सके। और देखा जाए तो हमारा एजुकेशन